प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर कर दिया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि जब हम लोग अपना प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर करते हैं तो रिप्लाई कब आता है, कैसे आता है और रिप्लाई क्यों नहीं आता। तो साथियों, शेयर करने के बाद जब कास्टिंग डायरेक्टर के पास कोई रिक्वायरमेंट आता है, जब हम लोगों का लुक किसी करेक्टर में मैच होता है, तभी जो है रिप्लाई आता है, कॉल आता है, मेल आता है और हम लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। अगर आप अपना प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर कर दिए हो, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। जब आपके लायक कोई रिक्वायरमेंट आएगा, जब आपका लुक किसी करेक्टर में मैच होगा, तो साथियों कास्टिंग डायरेक्टर खुद आपको बुलाएंगे, कॉल करेंगे, मेल करेंगे और आपका ऑडिशन लेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है, कुछ लोगों ने 6 महीने से या 1 साल से अपना प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर किए हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो साथियों, अगर आपको भी 1 साल से अधिक हो गया अपना प्रोफाइल शेयर किए हुए कास्टिंग डायरेक्टर को, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ज़रूर हम सभी लोगों से कोई गलती हुई है, इसीलिए कोई रिप्लाई नहीं आया कास्टिंग डायरेक्टर के तरफ से। जब हम लोग अपना वीडियो शूट करते हैं तो उस वक्त कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोगों को अपने बैकग्राउंड और फ्रेमिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने वीडियो को शांत वातावरण में शूट करना चाहिए। जब वीडियो शूट हो जाता है, जब हम लोग कास्टिंग डायरेक्टर को ईमेल करते हैं अपना प्रोफाइल, तो उस वक्त अपना फ़ोटो जो है अधिक से अधिक 2 या 3 शेयर करना चाहिए, इससे अधिक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारा फ़ोटो कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर कर देते हैं, तो जब कास्टिंग डायरेक्टर देखता है आपके फ़ोटो को तो आपके ऊपर जो है गुस्सा हो जाता है और आपको रिप्लाई नहीं देता। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कास्टिंग डायरेक्टर के पास इतना समय नहीं रहता कि आपके बहुत सारे फ़ोटो को देखे और डाउनलोड करे। तो आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि जब आप लोग अपना प्रोफाइल शेयर करो तो कास्टिंग डायरेक्टर को सिर्फ अपना 2 या 3 फ़ोटो शेयर करो। जब आप लोग अपना ऑडिशन वीडियो शेयर करते हो कास्टिंग डायरेक्टर को, तो आप लोगों को वीडियो भी सिर्फ 1 ही शेयर करना है, 1 से अधिक नहीं करना है। जब आप सभी लोगों से कास्टिंग डायरेक्टर बोले और मांगे कि आप जो है अपना 1 से अधिक वीडियो शेयर कीजिए, तभी जो है आप लोगों को 1 से अधिक वीडियो शेयर करना है। दोस्तों, इसमें भी वही गलती करते हैं लोग जो कि फ़ोटो के साथ करते हैं। इसमें भी आप लोग करते क्या हो कि अपना जो है बहुत सारा ऑडिशन वीडियो तैयार करते हो और सारा वीडियो जो है प्रोफाइल में सेंड कर देते हो। तो साथियों, आप लोगों को इस तरह से नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 ही वीडियो शेयर करना है। अगर कास्टिंग डायरेक्टर को 1 से अधिक वीडियो की ज़रूरत रहेगी तो साथियों आप लोगों को खुद ही कास्टिंग डायरेक्टर बोलेंगे और कहेंगे कि आप जो है 1 से अधिक वीडियो आप अपना शेयर कीजिए। आप लोग उस समय शेयर कर सकते हो। आप लोग जो है अपना ऑडिशन वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करो, फिर वहाँ से लिंक को कॉपी करो और प्रोफाइल में पेस्ट कर दो और उस लिंक पर टच करके कास्टिंग डायरेक्टर यूट्यूब पर जाकर आपके ऑडिशन वीडियो को डायरेक्ट देख लेते हैं।